हे गाइस, दिस इज अमन एंड यू वाचिंग द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ टेक स्वामी। यहां पर ना इंडिया के स्टैट्स बाहर निकल कर आए हैं। बताया जा रहा है 5000 से लेकर 10000 तक में सबसे ज्यादा फोन्स बिकते हैं। आप सब सबसे ज्यादा उसी में इंटरेस्ट दिखाते हो, तो रियलमी इसी बजट में एक नया फोन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रियलमी C3। अब C3 से पता लग गया C2 का सक्सेसर है, यहां पर खत्म हो गई कन्फ्यूजन। तो C3 के बारे में आपको सारी चीजें बताता हूं। ये जो फोन है वो अल्टीमेट परफॉर्मर होगा। जो प्राइस है वो मैं 8000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 8000 से नीचे रहता है, अगर 7000 में आता है कमाल हो जाएगा, पर 8000 पे भी ये फ़ोन लेने लायक रहेगा। अब इस फ़ोन में क्या चीज़ें आ रही है मैं फटाफट से बताता हूँ, क्यों ये अल्टीमेट परफॉर्मर है। यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करें तो C3 जो डिज़ाइन लेके आ रहा है, पहली बात तो यार मतलब ये बिल्कुल रियलमी के वैसे ही डिज़ाइन है जैसे कि और फोन्स का होता है। आपको देख के कोई इतना सोचने की बात नहीं होगी, किसी के हाथ में ये फ़ोन पकड़ा होगा तो पता चल जाएगा कि रियलमी का फ़ोन है भाई। सिमिलर सा बैक डिजाइन है। सामने की साइड से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीयरड्रॉप नॉच है। टीयरड्रॉप नॉच के साथ 6.5 इंचेस की यहाँ पे डिस्प्ले साइज है। अब यहाँ पे यार बताया नहीं गया है कि HD+ है कि Full HD+ है, बट इतना बता दिया गया है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होगा। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे HD+ डिस्प्ले होगी, 720p होगी, IPS LCD होगी, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टीजर पोस्टर में दिख नहीं रहा, जो कि यार सारे बोल रहे कहीं है मुझे डिस्प्ले तो नहीं है। मुझे नहीं लगता IPS LCD डिस्प्ले होगी मेरे को जो जहाँ तक लगता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसका जो फ्रंट पैनल है उसको बैक के ऊपर चिपकाया गया है टीजर पोस्टर के ऊपर। मे भी हो भी सकता है कि यार फिंगरप्रिंट स्कैनर डाला ही ना गया हो इस फोन में, क्योंकि रियलमी C3S भी यहाँ पे लीक हुआ है, तो क्या पता फिंगरप्रिंट स्कैनर उसके अंदर आए। तो अभी यार इतना फाइनल नहीं हुआ है, पर C3 के बारे में इतना नहीं पता चल रहा कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो कहां पर है। पर जो भी है डिस्प्ले 6.5 इंच के साथ गोरिल्ला ग्लास के साथ आएगी। 89.8 यहां पे परसेंट की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताई जा रही है। ठीक है भाई, 720p इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पर आपको कंटेंट अच्छा ही मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ टीयर ड्रॉप नॉच के अंदर हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, ये भी चलो ठीक ठाक सी बात है। अब आगे बात करता हूँ यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मर की। यार यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को नहीं लगता आज तक देखने को मिली होगी। इसमें हमें मिलने वाला है हीलियो G70 प्रोसेसर MediaTek की तरफ से, और ये एक एंट्री लेवल बजट गेमिंग प्रोसेसर है। गाइज आपको इस प्राइस पॉइंट पे एक यहाँ पे डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है G70। जी हाँ, अब हमने G90T देखा था, वो भी गेमिंग प्रोसेसर है, वो कमाल काम करता है MediaTek का। अब G70 उसी सीरीज का प्रोसेसर है पर एंट्री लेवल है, तो मेरे को लगता है कि यार बजट के अंदर अब आपको एक अल्टीमेट गेमिंग फोन देखने को मिल जाएगा जो कि जनरल यूज में भी अच्छा होगा और गेमिंग में भी अच्छा होगा, पबजी मोबाइल के लिए अच्छा होगा, हर चीज इस प्राइस पॉइंट पे G70 काफी बढ़िया करके देगा। क्या यार मैं इससे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ कि G70 जो होने वाला है ना वो आपको बहुत अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रैम और स्टोरेज की, दो तरह के यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट सामने आए हैं, एक 3+32 और एक 4+64 का। अब 3GB को यार वैसे मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, 3GB बहुत कम लगती है, 4GB बेस वेरिएंट होना चाहिए, बट इसमें 3GB 32GB आ रहा है जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट होगा और अच्छी बात है अगर होता है तो। अब जहाँ तक यहाँ पर रियलमी क्लेम कर रहा है कि 5000mAh की बैटरी दे रहे हैं, उसमें आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ ये कितनी चलेगा फ़ोन। ये कहते हैं 30 डेज का स्टैंड बाय होगा, अच्छी बात है। 20.8 आवर्स की आप YouTube स्ट्रीमिंग कर सकते हो, 19.4 आवर्स का यहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हो, 43.9 आवर्स की ये वॉइस कॉल बता रहे हैं, और 10.6 आवर्स की यहाँ पे पबजी गेमिंग बता रहे हैं। 5000mAh के बैटरी के साथ ये सारी चीज़ें अगर मिल रही है तो मेरे हिसाब से बैटरी काफ़ी बढ़िया ऑप्टिमाइज़ की गई है। अगर बैटरी ज़्यादा यार चल रही है तो मैं कहता हूँ यार अंडर बजट ऐसा बैटरी फोन आना बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यार फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको जैसे कि मैंने बताया कुछ दिख नहीं रहा, उसका तो अभी तक राज पता ही नहीं चला है, तो जब पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। कैमराज वाइज अगर मैं बताऊँ बैक साइड पर आपको दो कैमराज मिल रहे हैं, इसमें से एक जो प्राइमरी सेंसर वो 12 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा का अभी कुछ भेदभाव उसका भी पता नहीं चला है। बताया जा रहा हो सकता है कि मैक्रो लेंस हो पर अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम चला है, पर यहां पर क्रोमा बूस्ट HDR मोड वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा भी यहां पर अभी तक पता नहीं चला कि कितने मेगापिक्सल्स का है, ये बहुत ही अजीब बात है। चलो जो भी है ये सारी चीजें पता चली हैं रियलमी C3 की, जो कि 6 फरवरी को हमें देखने को मिलने वाला है, और यार एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार इस फोन को बताया जा रहा है क्योंकि यार कहना भी ठीक है लाजमी है, बड़ी डिस्प्ले है, G70 प्रोसेसर जो कि आपको कमाल की परफॉर्मेंस देगा, और 5000mAh की बैटरी जो कि काफ़ी देर चलने वाली है। तो आई थिंक रियलमी C3 काफ़ी धमाल मचाने वाला है। आप बताओ रियलमी C3 आपको कैसा लग रहा है, कैसा होने वाला है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ जल्दी से, और तब तक अपना चैनल रखिएगा।